हाँ जी, तो मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, इस वजह से मैं थोड़ा गायब हूँ और बिज़ी हूँ। तो अभी भी मैं एग्ज़ाम के लिए आया हुआ था। तो आज की जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज बात करेंगे इस बारे में कि जॉर्जिया में फीमेल स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, इज़ इट सेफ फॉर देम, तो एक और ओवरऑल वो कैसा यहाँ फील करती हैं और कैसा महसूस करती हैं यहाँ का रहना खाना हर चीज़। तो आज एक स्टूडेंट को हमने लाइंड अप किया हुआ है, उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, पूरी वीडियो देखनी है। तो आपको आई होप आज के इस वीडियो में अगर आप फीमेल हैं तो आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो मेरे साथ रहिए। ओके गाइस, मैंने आपसे वादा किया था कि एक फीमेल स्टूडेंट है जो कि लाइंड अप है, लेकिन एक की बजाय हम दो का पैकेज लेकर आए हैं। तो ये दो स्टूडेंट्स हैं, मिलिए। ये हैं दृष्टि, ये मेरी फ्रेंड है, और ये हैं जानवी, ये भी मेरी फ्रेंड है। तो इनसे आज हम ये पूछेंगे कि इनका जॉर्जिया में, बाय द वे हम यहाँ बैठे हुए, ये कैफेटेरिया। अच्छा, इनसे आज हम पूछेंगे कि कैसी लाइफ है यहाँ पे। सबसे पहले जो सबसे हर एक पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, जो भी आपके फैमिली होती है बैक होम इंडिया पाकिस्तान, उनका ये क्वेश्चन होता है कि इज़ इट सेफ फॉर फीमेल। तबलीसी या जॉर्जिया का कोई भी सिटी, जॉर्जिया सेफ है या नहीं? वैसे कंपैरेटिवली जॉर्जिया काफ़ी सेफ है। मतलब यहाँ पे ऐसे हम लोग जनरली रात को भी इधर उधर कहीं जाते हैं तो ऐसे कोई इशू नहीं होता। कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ऐसे चोरी वगैरह और ये सब होती है, वो जनरली हर फॉरेनर के साथ होती है, उसमें जैसे लड़की या लड़के के ऊपर नहीं है, पर ओवरऑल कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है। ऑलराइट, ओके। आपको अगर कभी सेफ्टी के बारे में कोई कंसर्न हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं? ज़्यादा सेफ लगता है। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूके में हम देखते हैं जो इंग्लिश गर्ल्स हैं वो डरती हैं, वो शाम के बाद अकेली निकलने से डरती हैं, वो नहीं निकलती हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जॉर्जिया इज़ मोर सेफ देन यूके। तो ओके, अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप ये बताएं कि जो भी आपका, जो भी आप खाना पसंद करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी धर्म है, आप हिंदू हैं, तो क्या आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अगर आप वेजिटेरियन खाना चाहती हैं या अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई हलाल खाना चाहता है, तो क्या इज़ इट इजीली अवेलेबल हियर? हाँ, मोस्टली इट इज़ अवेलेबल। मतलब यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, वेजिटेरियन भी बहुत अच्छा मिलता है, और नॉन वेज में भी ऑप्शन होते हैं। जॉर्जियन रेस्टोरेंट्स में थोड़े कम हैं, जितने जो जहाँ पे मेनली हर चीज़ में बीफ या पोर्क होता ही है। उसके अलावा पर अगर तुम इंडियन ज़्यादा खाते हो तो इंडियन रेस्टोरेंट से काम चल जाता है, काम चल जाता है, हर एरिया में 2-3 है। ओके, अच्छा ये बताएं, आप भी तो इनकी फ्रेंड है, तो आप मुझे ये बताएं कि एक टाइम का अगर हम इंडियन खाना रेस्टोरेंट में खाएं तो कितने पैसे लगते हैं उसमें? पर पर्सन ऐसे 20 तक काम हो जाता है, मतलब अगर तुम अच्छे रेस्टोरेंट जाओ तो 20 लगता है। 20 ला रही? हाँ, नहीं तो फिर ऐसे 8-9 भी हो जाता है। ओके, अच्छा, सेफ्टी से जो मैं मेरा मतलब था पूछना, वो चोरी के हटके भी था कि लड़कियों के लिए कोई हरासमेंट या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कभी आपने ऐसी चीज़ तो नहीं फेस की? नहीं, खाली वही जो कुछ कुछ एरियाज है बस, वैसे ही जो एकदम ही गार्डन और ऐसे सब है वहाँ तो ऑब्वियसली रात को नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ड्रंक लोग यहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू इंडिया या यूके या कहीं भी, यूके से भी ज़्यादा यहाँ पर ड्रंक लोग बिल्कुल रोड पे घूमते हैं। बट हाँ, इतना हैरेसमेंट ऐसे सब नहीं है क्योंकि पुलिस कार्स हर एक एक रोड छोड़ के होती हैं। अच्छा, तो ऑफ द कैमरा तो दृष्टि काफ़ी बुरा भला कह रही थी, पता नहीं वो मजाक था या नहीं था। नहीं, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही थी। अच्छा, उसकी बात हो रहा है, दोस्ती हना बनाए। हाँ, वो तो ठीक है दोस्त, वो तो फिर दोस्त तो अपनी चॉइस है ना कि आप किसको बनाना चाहते हैं किसको नहीं बनाना चाहते। अच्छा जानवी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट आती है फर्स्ट ईयर में तो उसको हॉस्टल में रहना चाहिए या उसको फ्लैट में रहना चाहिए? डिपेंड्स कि वो कितनी कैपेबल है, जैसे कि अब उसके पेरेंट्स ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, जैसे अभी बहुत टाइम से अगर वो अकेली नहीं रही होगी तो उसके लिए हॉस्टल ज़्यादा बेटर है क्योंकि अपार्टमेंट में ऐसे आजू बाजू के दोस्त नहीं होते। जस्ट लाइक यू, आप भी हॉस्टल में रह रही हैं तो ओके, ऑलराइट, ओके। और दृष्टि, में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्टडी कैसी है यहाँ पर जॉर्जिया में? यहाँ पे स्टडी मोस्टली ऐसे प्रैक्टिकल ही है, मतलब कुछ ऐसे तुम पेशेंट से बात बात नहीं करते, एंड थियोरी क्लासेस होती है एंड उसके बाद वीक में एक दिन प्रैक्टिकल क्लास होती है, तो ज़्यादा थियोरी फोकस्ड ही है यहाँ पे। तो यानी वो एक्सपोजर नहीं है जो इंडिया या पाकिस्तान में हमें मिल जाता है हैंड ऑन
पेशेंट के साथ केयर वाइज इतना एक्सपोजर नहीं है। ओके ओके, तो लिविंग के बारे में बताएं, लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ कैसे हैं, इंडिया से बेहतर हैं या हाई हैं, कम हैं, उसके बराबर हैं, कैसा है यहाँ पे? अच्छे है, मतलब मोस्टली तो ऐसे कोई फर्क नहीं है लिविंग में, क्योंकि ऐसे इधर उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट बेटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बताएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, हर जगह से हर जगह बस में जा सकते हो और बहुत ही सस्ता है भाई। मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपको 0.20 लारी में एक स्टूडेंट घूम सकता है कहीं भी, बस ट्रेन एनीवेयर। तो ये वाली फैसिलिटी, तो इतना सस्ता तो हमारा कंट्री भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है या इंडिया भी नहीं है, तो अगर वो देखा जाए तो फिर उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा ये बताइए कि आपका पर मंथ फीस के अलावा रहने और खाने का कितना खर्चा हो जाता है? वो डिपेंड करता है तुम किस टाइप की लाइफ, अगर गरीब भी नहीं अमीर भी नहीं थोड़ा सा आप अच्छा आप दोनों बताएं आपका कितना हो जाता है और आपका कितना हो जाता है? आई थिंक ऐसे मिनिमम 300 डॉलर्स तो लगता ही है मिनिमम मंथली। दृष्टि तुम ज्यादा उड़ाती हो, ये झूठ बोल रही हो। नहीं हाँ, पर देखा मुझे पता है, मैंने इसको देखा हुआ ना। मिनिमम बोला ना मैंने, मिनिमम जब कुछ भी नहीं करो बस जाके ग्रोसरी स्टोर से खाना लो बनाओ वैसे वाला। तो उसमें भी 300 के नीचे तो नहीं लगता। तुम्हारा नहीं 300 लगता, बाकियों का तो शायद इससे कम में हो जाए। अच्छा तुम बताओ। नहीं नहीं जनरली 200-300 वो आपका भी 200 बिटवीन 200 एंड 300 हो जाता है। इसमें शॉपिंग इन्वॉल्व नहीं है? शॉपिंग एकदम अलग कैटेगरी, फीस खाना और शॉपिंग, ये तीन कैटेगरी है। चलो एक मैं टिपिकल फीमेल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो आप बाल वाल बनाती हैं, आप जो नेल पता नहीं क्या नेल जॉब हेयर जॉब कौन जो भी जॉब्स हैं, मुझे तो उनका पता भी नहीं है ना, मैं नहीं पैडी ये वो, तो उसका क्या कंपैरिजन कर सकते हो आप इंडिया से यहाँ? अब हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे इतना कि हम लोग इतना सारा सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया। चलो जल्दी से इसको वाइंड अप कर देते हैं, आप बस ये बता दें, बस आप इतना बता दें कि जो लेडीज़ का जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसका, वो इंडिया से महंगा है यहाँ या सस्ता है? नेल्स का तो इक्वली है, हेयर का एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे सैलून खोल ले तो हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो जो लेडीज़ का जिनको आता है काम, तो वो यहाँ आके अपना सैलून बनाएं, मज़े उड़ाएं, क्या बात है, अपने खर्चे भी निकालें, अपनी फीस भी निकालें। अगर मैं लड़की होता तो मैं यही करता। काम आना चाहिए ऑफकोर्स, हमारे कंट्रीज में तो वैसे भी सिखा देते हैं फ्री में। नहीं पर यहाँ पे बहुत ही सारे कॉम्पिटिटर्स है ना, मतलब इतने सारे सैलॉन्स हैं हर ब्लॉक में, ठीक है, तो फिर कैसे कम्पीट करोगे? आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ओपिनियन लेकर। तो आई होप ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल होगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जो आना चाह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू गाइस।